दोस्तों 2020 का पहला सबसे बड़ा क्लेश यहाँ पर 2020 के शुरुआत में ही एक दमदार क्लेश हमें होता दिखेगा, जिसमें कि बॉक्स ऑफिस पर 103 फिल्में आपस में टकराएगी और उन फिल्मों में शामिल है तानाजी द अनसंग वॉरियर, छपाक और दरबार। दोस्तों बॉलीवुड से तानाजी और छपाक आपस में टकरा रही है और वहीं साउथ से सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म दरबार। तो जब छपाक और तानाजी हिंदी में रिलीज की जाएगी और रजनीकांत की फिल्म दरबार जो कि हिंदी के साथ ही तमिल तेलुगु में भी रिलीज होने वाली है। और समय दरबार में सुपरस्टार रजनीकांत हमें कोप अवतार में दिखेंगे और वे विलन के तौर पर हमें सुनील शेट्टी दिखने वाले हैं। और वहीं तानाजी में अजय देवगन और सैफ अली खान की इपिक फाइट हमें होती दिखेगी और इस फिल्म का बजट काफी दमदार है। साथ ही छपाक की बात करें तो इस फिल्म में हमें दीपिका पादुकोण दिखने वाली है और एक बायोपिकल मूवी है। ऐसे में तीनों फिल्में एक दूसरे पर भारी पड़ सकती है, लेकिन यह कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा दमदार है तो इसमें तीनों फिल्मों के ट्रेलर को देखा जाए और फैंस के रिस्पांस को देखे तो इसमें तानाजी द अनसंग वॉरियर इन दोनों फिल्मों पर भारी पड़ सकती है। लेकिन जैसे कि यहाँ रजनीकांत की फिल्म दरबार जो कि हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज हो रही है और रजनीकांत के फैंस पूरे इंडिया में भरे हुए है, ऐसे में इन दोनों फिल्मों का बड़ा क्लेश होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ छपाक भी एक बड़ा कमाल कर सकती है। तो इसमें 2020 10 जनवरी को एक साथ तीन फिल्में रिलीज होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि फैंस किस फिल्म को सबसे पहले देखते हैं। और दोस्तों आप इन तीनों फिल्मों में से किस फिल्म को पहले देखना चाहेंगे, तानाजी, छपाक या फिर दरबार, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।